जिले में चोरी के बाद अब लूट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बाइक सवार नकाबपोश जहां चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं बेखौफ होकर लूट की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। देर रात भेड़ाघाट थाना क्षेत्र तेवर में एक सराफा व्यापारी को बाइक सवार तीन लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में रोका और चाकू से हमला करते हुए उसकी बाइक, लाखों रुपए कीमत के जेवरों से भरा बैग और नकदी लूट कर फरार हो गए। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार चोरी और लूट की वारदातें घटित हो रही हैं। देर रात भेड़ाघाट थाना क्षेत्र तेवर के पास गढ़ा क्षेत्र के एक सराफा व्यापारी ओम प्रकाश सोनी को बाइक सवार तीन बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में रोका और फिर उन पर चाकू से हमला करते हुए उनकी मोटरसाइकिल समेत लाखों रुपए कीमत के जेवरातों से भरा बैग और बाइक में रखी 1,00,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद सराफा व्यापारी ओम प्रकाश ने पुलिस को सूचना दी। घटना का पता चलते ही एसपीटी के विद्यार्थी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल व्यापारी से वारदात की जानकारी ली। पुलिस ने देर रात लुटेरों की पतासाजी करने नाकाबंदी भी की, लेकिन अब तक लुटेरों का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। यही है घटना स्थल। मैं अपने घर तेवर जा रहा था, यहाँ से तीन लड़के पीछे से आए, मेरी गाड़ी में टक्कर मारे, गाड़ी यहाँ आके गिर गई। तो मैं समझ गया कि ये चोरी चोर हैं। तो मैं चोर चोर चिल्लाया और वो लोग चिल्लाए कि गाड़ी भेड़ दी, गाड़ी भेड़ दी। और मैं गाड़ी की चाबी लेने के लिए दौड़ा, तो उनने जो चक्कू मार दी और गाड़ी लेके चले गए। दुकान से आ रहा था और घर जा रहा था। दुकान प्रीति आभूषण गढ़ा में है सर। जेवर कोई 20 किलो करीब जेवर और 800 ग्राम सोना और 80,000 और चाबियाँ थी। एक व्यापारी जिसकी गढ़ा में दुकान स्थित है सोने चांदी की, वो कल रात 10 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। तो शर्मा पेट्रोल पंप है तेवर में, उसको क्रॉस करते ही अज्ञात तीन व्यक्तियों द्वारा उसको रास्ता रोककर उसको धक्का देकर उससे उसकी बाइक छीन ली गई, जिस बाइक में उसके कुछ सोना चांदी के जेवरात और कुछ कीमती नगद जो उसने अपने व्यापार से अर्जित किया था वो था। उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने FIR पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है, जिस पर कि क्राइम ब्रांच की टीम भी उसको सघन से तलाश कर रही है। संभावना है कि हमको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। लूट की इस वारदात ने पुलिस की रात्रि गश्त और सड़कों पर बरती जा रही चौकसी की कलई खोल दी है। हालांकि अब क्राइम ब्रांच सहित अलग अलग थानों की पुलिस लुटेरों की पतासाजी में जुटी हुई है।